हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे दो वीडियोज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं कल्टीवेशन ऑफ लेक कल्चर, यानी लाख की खेती किस तरीके से की जाती है। तो जो लाख की खेती होती है, इसके दो मेथड होते हैं। एक तो नेचुरल मेथड होता है और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल जो मेथड होता है उसको नेचुरल इनोकुलेशन नाम से भी जानते हैं, और आर्टिफिशियल जो मेथड होता है उसको आर्टिफिशियल इनोकुलेशन नाम से भी जानते हैं। अब जो लेक जो कल्चर जो सॉरी लेक कल्टीवेशन होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। सो दैट कल्टीवेटर शुड नो दैट वेल अबाउट द इनोकुलेशन, सॉइलिंग पीरियड एंड हार्वेस्टिंग लेक। यानी कि जो कल्टीवेशन की जो प्रोसेस होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसमें कल्टीवेटर होते हैं, यानी कि लाख की जो खेती करने वाले जो लोग होते हैं, यानी कल्टीवेटर होते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लाख की खेती में इनोकुलेशन कब करवाना है, स्वार्मिंग पीरियड कब होता है, एंड जो हार्वेस्टिंग होती है जो लेक की, वो कब होती है। तो वो अच्छे से जानते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन जो कल्टीवेटर होते हैं वो अच्छे से जानने की वजह से वो सारी प्रोसेस आराम से कर सकते हैं। आपको दो टर्मिनोलॉजी ही ध्यान में रखती है, एक तो इनोकुलेशन वर्ड होगा जो बार बार आएगा, और दूसरा होता है जो स्वार्मिंग है वो बार बार आएगा। तो जो इनोकुलेशन का मतलब ये होता है कि जो नीम का ट्रांसफ़र करना टू होस्ट प्लांट, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, दो जो इनोकुलेशन मीन्स क्या होता है कि जो नीम होता है उसका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। दूसरा होता है जो स्वार्मिंग होती है, स्वार्मिंग का मतलब ये होता है झुंड, यानी जो यहाँ पर स्वार्मिंग का मतलब होता है झुंड, और यहाँ पर होगा नीम स्वार्मिंग, यानी हम नीम के झुंड की बात करेंगे। तो ये दो टर्मिनोलॉजी है, आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है ताकि आपको ये लेक्चर समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो हम बात करते हैं इनोकुलेशन की। इट इज़ द फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ लेक कल्चर इन विच यंग जो यंग नीम ट्रांसफ़र टू सूटेबल होस्ट। यदि इनोकुलेशन का, जैसे मैंने अभी बताया कि जो इनोकुलेशन का मतलब होता है कि जो नीम का ट्रांसफ़र करना, तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो फर्स्ट जो प्रोसीजर होती है लेक कल्चर की, उसमें जो यंग जो नीम होते हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाता है होस्ट प्लांट पे। यानी कि जो प्लांट है, जैसे हमने बात की थी कुसुम का जो प्लांट होता है, जो कुसुम जो प्लांट होता है वहाँ पर क्या होता है कि जो लेक के जो इंसेक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो यंग जो नीफ होते हैं उसका जो ट्रांसफ़र कराते हैं जैसे होस्ट प्लांट, जैसे हम यहाँ पर मान सकते हैं जो कुसुम का जो प्लांट होता है उस पर क्या होता है, जो नीफ होता है उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, जो यंग जो नीफ होते हैं ट्रांसफर टू सूटेबल होस्ट पर। इनोकुलेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, तो नेचुरल इनोकुलेशन होता है और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। नेचुरल जो इनोकुलेशन होता है, इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड कॉमन प्रोसेस होती है, विच नीव है मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल मूवमेंट। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, वेरी सिंपल होती है, और जो कॉमन सबसे कॉमन प्रोसेस होती है जिसमें जो नीम्फ होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब एक प्लेस से टू प्लेस का मतलब होता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं या मूवमेंट करते हैं बाय नेचुरल मूवमेंट। और उनमें ये नेचुरली होता है, किसी तरीके से उनमें सिखाया हुआ नहीं होता है, जो नेचुरली ये क्या करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर जाते रहते हैं। इट कॉल्ड नेचुरल इनोकुलेशन, इट इज़ नॉट गुड फॉर लेक कल्चर। अब ये क्या होता है कि जो नेचुरल इनोकुलेशन में क्या होता है कि जो नीम्फ होता है वह एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसफ़र होते जाते हैं या मूव करते जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये गुड इट इज़ नॉट गुड फॉर लेक कल्चर के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि इसमें जो नेचुरल इनोकुलेशन होते हैं, इस स्वाम जो नीम्फ होते हैं, सम में ड्रॉबैक यानी कुछ कमियां होती है, वो इस तरीके इसमें कुछ कमियां होती है। जैसे फर्स्ट कमी ये होती है कि इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन, इन दिस वे लेक मे नॉट बी एबल टू गेट इनफ न्यूट्रिशन फ्रॉम वन द सेम होस्ट प्लांट। देखो यहाँ पर क्या, एक तरीके से क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक प्लांट है, फिर दूसरा प्लांट है, फिर तीसरा प्लांट है, तो पहले तो क्या होगा, जो यंग जो नीम्फ होते पहले इस प्लांट पर आए, ठीक है। अब ये यहाँ से मूवमेंट करता, इस प्लांट से मूवमेंट करता हुआ इसने क्या किया, इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया। तो यहाँ पर जितना था ना, उसने क्या किया, इस प्लांट से न्यूट्रिशन था उसको ले लिया, ठीक है। अब इस प्लांट पर न्यूट्रिशन कम हो गया, फिर ये क्या करा, इस प्लांट के ऊपर चला गया। अब क्या होगा, इसके पीछे से क्या होगा कि और भी क्या हो गया, जो नीम्फ हो गए वो क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसी प्लांट के ऊपर आकर ये क्या करने लगेंगे, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देंगे। अब पता है कि अब पहले जो आए थे उसने क्या किया था, इसे न्यूट्रिशन लिया था, अब इसमें तो पहले से न्यूट्रिशन की कमी है, अब ये और आ रहे तो उस ये और जो नीम्फ आ रहे उसकी वजह से ये क्या होगा, और न्यूट्रिशन क्या होता है, कम हो जाएगा। तो ये वाले जो नीम्फ थे उसको जितना प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला है ना, उनको पूरा न्यूट्रिशन इसको नहीं मिलेगा। अब इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो पता है कि जो नीम्फ होगा उसे जो हमें जो लेक होता है वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना इसे मिल सकता है। तो जो नेचुरल तरीके से क्या होता है, ये एक दूसरे पर ट्रांसफ़र होते जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, जो प्रॉपर अमाउंट में जितनी लेक मिलनी चाहिए होती है ना, उतनी मिल नहीं पाती है। तो इस तरीके से इनमें क्या होगा, इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन होता है, ये भी एक क्या होता है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। इन दिस वे लेक नोट क्या न्यूट्रिशन फ्रॉम सेम ही होस्ट पर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। द लेक इंसेक्ट ड्यू टू लेक
ऑफ सफिशियंट न्यूट्रिशन होता है उसका लॉस हो जाएगा, जिससे प्रॉपर इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, दियर बाई बाई इफेक्टिंग बाई प्रोडक्शन ऑफ लेग, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा जो प्रॉपर होता है जो कि लेग का जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इनकम्प्लीट नेक न्यूट्रिशन होता है। और यहाँ पे लेग जो इंसेक्ट होता है ड्यू टू लेग सफिशियंट न्यूट्रिशन, यानी जो सफिशियंट उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमें क्या होगा जो प्रॉपर प्रोडक्शन होना चाहिए लेग का वो हमें प्राप्त नहीं होगा। दूसरा इसका जो नेचुरल इनोकुलेशन का ड्रॉबैक होता है, सेकेंड वाला इरेगुलर इनोकुलेशन। ड्यूरिंग द नेचुरल इनोकुलेशन इट इज नॉट श्योर दैट यूनिफॉर्म सिक्वेंस ऑफ इनोकुलेशन टेक प्लेस। इट इनोकुलेशन इज नॉट द कंटिन्यू फैशन ए रेगुलर क्रॉप ऑफ द लेग मे नॉट बी ऑब्टेन। यानी इरेगुलेशन इनोकुलेशन का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं हमने अभी ये बताया था कि जो ड्यूरिंग जो नेचुरल इनोकुलेशन हम श्योर नहीं करते, मतलब यहाँ पर जो प्लांट था उसके अंदर इसने क्या किया था, ये वाला देखते हैं कि जो होस्ट प्लांट था पहले तो ये वाले जो होस्ट जो नीम थे वो थे, फिर उसने क्या किया अपना होस्ट था उसको चेंज कर लिया, ये आगे वाले पे चले गए, फिर उसने क्या किया आगे वाले पे चले गए, फिर इसके जो इसमें न्यूट्रिशन की कमी होगी, इसमें भी न्यूट्रिशन की कमी होगी, फिर इससे क्या हो रहा है दूसरा वाला होता है जो कि नीम्फ होते हैं उसका जो झुंड होता है जो स्वार्मिंग जो नीम्फ होते हैं वो आ रहे हैं, फिर उसके पीछे से वो आ रहे हैं। तो इस मैनर में क्या होगा जो कि इनमें जो रेगुलर जो इनोकुलेशन होना चाहिए ना वो नहीं होगा, इनमें क्या होता है इरेगुलर इनोकुलेशन होता है, और जिसकी वजह से क्या होगा इसके अंदर प्रॉपर जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा। तो इनके अंदर क्या होता है जो यूनिफॉर्म जो सिक्वेंस होनी चाहिए इनोकुलेशन की यहाँ पर टेकन प्लेस पर वो क्या होती है वो मिल नहीं पाती है, और इनोकुलेशन होता है नॉट बी कंटिन्यू फैशन ए रेगुलर क्रॉप, और जो रेगुलर क्रॉप है इनमें क्या होगा कि जो कंटिन्यू होता है जो कि फिशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, और जो जैसे हम क्या होगा जो प्रॉपर अमाउंट में जो लेक मिलनी चाहिए थी वो हमें क्या होती है मिल नहीं पाएगी। तो ये क्या होता है कि जो नेचर इनोकुलेशन रहता है उसका जो ड्रॉबैक है, एक तो इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन होगा, एक इरेगुलर इनोकुलेशन। जो हमारा थर्ड है वो है इनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। एट द टाइम ऑफ स्वार्मिंग के नंबर ऑफ जो स्वार्मिंग जो नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होते हैं लाइक हाई डेंसिटी, यानी क्या होता है कि जो अनफेवरेबल जो क्लाइमेट जो कंडीशन होती है इस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है कि जो हमें लेक होता है वो हमें प्रॉपर क्या होता है प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी उनमें प्रॉपर क्या होता है इनोकुलेशन नहीं हो पाता है। अब क्या होता है एट द टाइम स्वार्मिंग नंबर जो स्वार्मिंग नंबर ऑफ जो फैक्टर लाइक जैसे हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट होगी, हैवी रेनफॉल हो गया, या फ्लो ऑफ वाइंड एक होता है यानी कि जो वाइंड होती है वो तेज़ी से क्या होती है तेज़ी से आ रही है, तो इनका जो इफेक्ट होता है जो प्रॉपर होता है वो इनोकुलेशन ऑफ नीम पर पड़ता है। यानी इसमें क्या होता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा यानी सनलाइट होती है वो ज़्यादा रहेगी तो जो स्वार्मिंग के जो स्वार्मिंग नंबर ऑफ जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करेगा इनकी वजह से क्या होगा हाई टेम्परेचर की वजह से उनमें लॉस होगा, हैवी रेनफॉल हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से भी क्या होता है जो इंसेक्ट होते हैं वो मर जाते हैं, या पीछे से ये क्या हो रहा है कि जैसे एक प्लांट यहाँ पे दूसरा यहाँ पे तो पीछे से क्या होता है जोर से वाइंड का एक झोंका आया और जिसकी वजह से ये जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं जिसकी वजह से भी क्या होता है कि ये जो इंसेक्ट होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं या मर जाते हैं। तो इनका जो इफेक्ट होता है इनकी वजह से क्या होता है कि जो प्रॉपर होता है वह इनोकुलेशन नहीं हो पाता है, और प्रॉपर इनोकुलेशन नहीं होगा तो हमें पता है कि जो प्रॉपर हम क्या होते हैं लेक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। थर्ड होता है जो फोर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट इन प्रीडेटर, यानी कि जो हमें पता है कि जो लेक इंसेक्ट होते हैं वो पैरासाइट होते हैं लेकिन उसमें कुछ होते हैं जो इसके एनिमीज होते हैं। एट द फॉर्म ऑफ जो क्या होता है पैरासाइट के फॉर्म में भी होते हैं प्रीडेटर के फॉर्म में होते हैं, यदि जो क्रॉप होती है उसके हमने हार्वेस्टिंग नहीं की एट द टाइम पर तो लेक होता है इज अलाउड टू रिमेन द सम ट्वीक द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैरासाइट इफेक्ट द लेक इंसेक्ट। यानी हमें प्रॉपर ये था कि जो लेक इंसेक्ट होता है कि जो हार्वेस्टिंग का टाइम था हमने उस टाइम पे हार्वेस्टिंग नहीं की तो उसमें क्या होगा कि इन जो इनके जो एनिमीज होते हैं वो क्या करेंगे इसके ऊपर अटैक करेंगे और अटैक करने की वजह से इनमें क्या होगा इनकी हानि हो जाएगी, और ये साथ में ये क्या करेंगे जो ट्विक्स होते हैं उस ट्विक्स पर ये क्या होते हैं जो हमारा होस्ट जो प्लांट था उसकी जो ट्विक्स होते हैं उस पर जो पैरासाइट होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट करेंगे और हमें बहुत सारा क्या होगा लेक का लॉस हो जाएगा। तो ये तो था हमारे जो नेचुरल इनोकुलेशन के टाइप होते हैं जो फोर्थ थे। जो फर्स्ट था इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन, सेकंड था इरेगुलर इनोकुलेशन, थर्ड था अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, और जो फोर्थ था मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट एंड प्रीडेटर। सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। आर्टिफिशियल जो इनोकुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है ह्यूमन बीइंग, यानी इससे क्या होता है हमारे द्वारा किया जाता है आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। इन दिस मेथड चेक ऑल पॉसिबल ड्रॉबैक इन नेचुरल इनोकुलेशन, यानी जो नेचुरल जो इनोकुलेशन के अंदर जितनी भी जो कमियां थी जितनी भी जो ड्रॉबैक थे उन सबको ध्यान में रख करके ये आर्टिफिशियल इनोकुलेशन करवाते हैं, और ये होता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा।
अब क्या था, इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल जो होस्ट प्लांट होता है बी होस्ट प्लांट बी पूर्ण पूर्ण मतलब जो छंटाई की जाती है जनवरी और जून के अंदर, यानी इस मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो होस्ट जो प्लांट होगा उस होस्ट प्लांट की छंटाई करेंगे और छंटाई करके क्या करेंगे कब करेंगे जनवरी और जून के अंदर। अब जो छंटाई करने के बाद में जो हमें ट्विक्स मिली है उसको जो ट्विक्स है उस पर क्या है, बियर इंसेक्ट निम्फ विच आर अमाउंट टू स्वार्म और जून बिफोर स्वार्मिंग आर कट एट द साइड रेंज ऑफ बिटवीन 2 and 30 centimeter लेंथ, दिस कट द पीस ऑफ द ट्विग आर टाइड टू फ्रेस्टी। यानी इसके अंदर मैं समझाती हूँ, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा होस्ट प्लांट है, इसके ऊपर क्या होती है लीफ लगी हुई है इस तरीके से, और यहाँ से हम इतनी दूर में हम क्या करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका क्या होता है रूट वाला पार्ट है ना, और ये अपना ऊपर वाला पार्ट है, तो यहाँ पर तो हम क्या करते हैं कॉटन बांध देते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है ना यहाँ पर क्या करते हैं पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों की क्या करते हैं छंटाई कर देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि जो लेग के जो इंसेक्ट होते हैं जो नीफ होते हैं यानी जो अंडे दिए हैं, इन अंडों से क्या होगा नीफ स्वार्मिंग ऑफ नीफ होगी, यानी जो नीफ होते हैं उनका क्या होता है जो झुंड होता है वो एक साथ यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये यहाँ से लेके आते हैं, यानी बहुत बड़ा प्लांट होता है ना, जैसे हम कुसुम का प्लांट की बात करते हैं तो बड़ा प्लांट होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल में यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, यानी ये जो एक ट्विग थी उसके हमने इस तरीके से क्या किया टुकड़े कर लिए। अब इसके ऊपर क्या थी बियरिंग ऑफ नीम थी, यानी इस पर क्या होते हैं जो नीम थे वो लगे हुए थे। अब एक जो ट्विग होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लगभग कितना होता है 20 से 30 centimeter का होता है, ये देखो 20 से 30 centimeter का होता है, ये 20 से 30 centimeter, ये 20 से 30 centimeter हमने यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से इस तरीके से जो ट्विग थी उसको हमने कट कर लिया और इसके पीसेस बना लिए। अब इन पीसेस को हम क्या करेंगे, जैसे अब हमने क्या किया जो यहाँ से 20 से 30 centimeter की जो ट्विग थी हमने यहाँ पर क्या होता है कि जो इस तरीके से पीसेस बना लिए थे, अब इन पीसेस को हम क्या करेंगे 20 से 30 centimeter की लेंथ की होती है जो कट कर लेते हैं ना, इन द कट पीस ऑफ द ट्विग्स आर टाइटली टू फ्रेश ट्रीज, अब जो फ्रेश जो ट्रीज होते हैं उसके ऊपर टाइटली बांध देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारे क्या होते हैं जो फ्रेश जो प्लांट है उनकी क्या है ब्रांचेज है, इन ब्रांचेज के अंदर से हमने ये जो पीसेस काटे थे उसको क्या करेंगे इस तरीके से उन चारों के अंदर इस तरीके से क्या करेंगे इस तरीके से टाइटली इसको क्या करेंगे बांध देंगे, जिससे होगा क्या कि जो हमारी जो ये जो ट्विग्स थी उसके ऊपर जितने भी जो होते हैं जो नीम्फ होते हैं जिसके अंडे लगे हुए थे, ये जो सारे अंडे से जैसे स्वार्मिंग होगी नीम्फ की वो क्या करेंगे इन ब्रांचेस के ऊपर क्या होता है ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और ट्रांसफ़र होने के साथ में ये क्या करेंगे जो अपना एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पर अपना घर बना लेंगे, ये अपना बना लेंगे यहाँ पर, और यहीं से ये क्या करेगा जो न्यूट्रिशन होता है उससे न्यूट्रिशन होता है उसको लेते रहेंगे। अब इन ट्विग्स लेने के बाद में क्या होता है कि जो रूट है रूट से तो क्या होता है वो फिर से नया प्लांट होता है यहाँ से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, और जो ट्रीज होते हैं इससे क्या होगा कि जो जो हम जो कल्टीवेशन करवाते हैं तो कल्टीवेशन में जो लेक का जो कल्टीवेशन करवाते हैं तो उस कल्टीवेशन में क्या होता है इन ट्रीज की वजह से क्या होता है वो एक दूसरे पर क्या होता है जो न्यू जो होस्ट होता है उस पर जो नीम्फ होते हैं वो ट्रांसफ़र होते रहेंगे, और जिससे क्या होता है इस तरीके से क्या होती है जो कल्टीवेशन होता है जो लाक की खेती होती है वो चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट स्वार्मिंग, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ लेक इंसेक्ट, लेक इंसेक्ट की लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंट फेज होती है, एट द टाइम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड इंसेक्ट गेट डिटैच फ्रॉम द पैलेस ऑफ अटैचमेंट, क्या होता है कि एट द टाइम इनमें क्या होता है स्वार्मिंग के टाइम पर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें इंसेक्ट गेट डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द पैलेस, डिटैच मतलब होता है सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम पैलेस टू अटैचमेंट, यानी जिससे पैलेस पर ये अटैच हुए होते हैं वहाँ से ये क्या होते हैं डिटैच हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं, दस इट अलाइव है हेलो कैविटी, और ये क्या कहते हैं कि एक हेलो कैविटी के अंदर चले जाते हैं, और कुछ देर के बाद में क्या होता है इस होलो कैविटी को क्या करते हैं कवर कर लेते हैं वैक्स के थ्रू, व्हेन दिस एग आर टू बी हैच्ड आउट, और इसी कैविटी के अंदर क्या होता है कि जो एग्स होते हैं वो हैच हो जाते हैं दे बिकम जैसे ही अंडे हैच जो एग होते हैं अंडे होते हैं हैच हो जाते हैं यानी स्फुटन हो जाता है तो उनमें से जो ऑरेंज कलर के होते हैं जो नीम्फ होते हैं वो बाहर निकलते हैं, दस इट इज़ एन इंडिकेट दैट स्वार्मिंग हैज़ टेकन प्लेस, और यही क्या करते हैं जो ऑरेंज कलर के जो नीम्फ होते हैं वो बाहर निकलते हैं वही बताते यही इंडिकेट करते हैं कि जो स्वार्मिंग की जो प्रोसेस होती है वो इसी प्लेस के अंदर हुई है, यानी अब क्या होगा कि जो लेक होते हैं उसमें अब जो लेक होते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं कि अंडे दिए होते हैं उन अंडों में से क्या होता है एक साथ होते हैं जो नीम्फ होते हैं वो वन बाई वन करते हुए क्या हो गया वो बाहर की तरफ निकलते हैं, तो वो बाहर की तरफ निकलते हैं वो एक झुंड के रूप में निकलते हैं उसी को हम क्या होते हैं स्वार्मिंग कहते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट होता है हार्वेस्टिंग ऑफ लेक, लेक की हार्वेस्टिंग किस तरीके से करेंगे,
दिस प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ लेग फ्रॉम द होस्ट प्लांट कलेक्ट बाई आर, यानी क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पर लेग का कलेक्शन किया जाता है और जिस प्लांट जो होस्ट प्लांट से कलेक्शन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। यानी हम क्या करते हैं, होस्ट प्लांट से जो लेग होती है उसको हार्वेस्टिंग दो तरीके की होती है, इमेच्योर हार्वेस्टिंग और मेच्योर हार्वेस्टिंग। जो फर्स्ट होती है इमेच्योर हार्वेस्टिंग, द हार्वेस्टिंग ऑफ लेग, यानी हार्वेस्टिंग होती है लेग की बिफोर स्वार्मिंग, आर कोल्ड इमेच्योर हार्वेस्टिंग। यानी बिफोर स्वार्मिंग हम क्या करते हैं, जो लेग होती है उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं बिफोर स्वार्मिंग से पहले ही, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेच्योर हार्वेस्टिंग। द लेग विच ओपनिंग बाय दिस मेथड इज कॉल्ड एरी लेग, यानी कि जो इमेच्योर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो लेग प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं एरी लेग। सेकेंड होता है मेच्योर हार्वेस्ट, मेच्योर जो हार्वेस्टिंग होती है, द हार्वेस्टिंग ऑफ लेग आफ्टर स्वार्मिंग होती है इस कॉल्ड मेच्योर हार्वेस्टिंग, द लेग इज ऑप्टेंड बाय दिस मेथड इज मेच्योर। यानी ये तो होती है बिफोर स्वार्मिंग और ये होती है आफ्टर स्वार्मिंग, और इसको हम बोलते हैं मेच्योर लेग। यानी इस मेथड से जो लेग प्राप्त करते हैं उसको होते हैं मेच्योर हार्वेस्टिंग। तो ये तो हमारा लेग कल्टिवेशन, और ये जो नोट्स है आपके जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, सेकावटी यूनिवर्सिटी है, उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे नोट्स का यूज़ भी कर सकते हैं जिसमें आराम से आपको 6 से 7 जो मार्क्स होते हैं वो आ जाएंगे। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।